तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो बस आप लोग देखते जाइए वीडियो के आगे, आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। तो बस हम लोग फुल फैमिली निकले हुए हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, पापा है, माँ है और मेरी बेटी है। तो बस देखिए, और बहुत दूर जर्नी करके हम लोगों को जाना पड़ा था। चैनल में इंडियन ब्लॉगर पूजा, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो हम लोग आ गए हैं शादी, मतलब आप लोग देखे मैं जर्नी कर रही थी, तो अभी जस्ट हम लोग बस होटल रूम में एंटर ही किए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को बता दें कि क्या है। तो हम लोग आए हैं सिलीगुड़ी शादी अटेंड करने के लिए, और बस रूम में हम लोग एंटर किए हैं अभी, और आराम से कितना बज रहा है टाइम, शायद 4 बज रहा है। हम लोग खाना वाना खाएंगे और अभी हम लोग चाय पानी पिए हैं, और बस परी खेल रही है जैसे देख रहे हैं, सामान वगैरह ऐसे ही रखा हुआ है, सब ठीक किया जाएगा, अभी नहीं की हूँ। तो क्या क्या होगा आज के दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मेहंदी लगा रही है जो दुल्हन है, वो मेहंदी लगा रही है, और जो भी है दिखाते रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके, पता नहीं कितना दिखाऊँगी नहीं दिखा पाऊँगी मुझे नहीं पता, बट बस हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जैसे एज यूजुअल काम करते हैं, तो अपना काम लेकर बैठे हुए हैं, और मैं आप लोग को ब्लॉग करके दिखा रही हूँ। सो यही है, तो अब जैसे जैसे जो होगा बाकी आगे का सारा वॉइस ओवर में जाएगा, और जब मैं रूम में आऊँगी तभी मैं बोल पाऊँगी। बाहर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है तो मैं बाहर बोल नहीं सकती। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्या क्या फंक्शन है, आज मेहंदी है, मेहंदी लग रहा है मुझे इतना पता है, बट रात का क्या है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता। मैं जैसे जैसे होगा बताऊँगी, ठीक है? और हम लोग हैं सिलीगुड़ी में। बस ये देखिए परी का बदमाशी चल रहा है, वो यहाँ से वहाँ कर रही है, मुझे पूरा होटल रूम में इधर उधर दौड़ा रही थी, कभी इस रूम में कभी उस रूम में। और जैसे मैंने बोला तो मेहंदी है तो बस उस रूम में मेहंदी, एक रूम में जो दुल्हन है उसको लगाया जा रहा है, तो यही रूम में वो लगा रही है वो मेहंदी। और परी को एक फ्रेंड मिल गई थी जो परी के पीछे 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 कर रही थी, एकदम दोनों बच्चा मिलके, मतलब दोनों बच्चे मिलके बहुत इंजॉय कर रही थी, बट वो बच्ची परी को बार बार ढकेल रही थी, और एक बार तो परी बहुत जोर से गिर भी गई। सो बस बच्चे हैं तो खेलते हैं अपना। और ये देखिए मैंने रेड कलर का साड़ी वेयर किया है, मुझे एक नियम करना था शादी में, तो लावा का कुछ होता है, लावा पूछना होता है, तो नियम मैंने किया था, भाभी करती है बोलते हैं, तो मेरे से कराया गया तो मैंने किया था। तो बस ये रेड कलर का साड़ी पहनी हूँ मैं, और जस्ट पहन के फटाफट चली गई, कुछ मैं उतना कर नहीं पाई, बट पहनी थी बोलकर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और मैंने इसका ब्लाउज नहीं डाला है, ब्लाउज अलग साड़ी का है, और बहुत अच्छा लग रहा था ये साड़ी। और बस बाहर डांस चल रहा है, सब डांस वगैरह कर रहे हैं, और परी इधर मुझे दौड़ा रही है, तो मैंने भी अपना डांस किया है एक बार, बट परी मुझे करने नहीं दे रही, बहुत ज़्यादा रोने लग रही कि मम्मा मम्मा करके। तो बस सब जो भी लड़की लोग हैं वो लोग गाना म्यूज़िक अपना चला कर नाच रहे थे, और बहुत सारी आंटी लोग थी, भाभी लोग थी, दीदी लोग थी जो आसपास थे, बट वो लोग डांस नहीं कर रहे थे, बट बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और परी तो फुल इन्जॉय कर रही थी, वहाँ बहुत सारे बच्चे लोग थे तो परी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं फटाफट से जा रही हूँ अपने रूम और ड्रेस चेंज करूँगी। सो मैंने आपको जो भी था शॉर्टकट में मैं दिखाई थोड़ा सा, और अभी मैं सोऊंगी, तो मेरी बेटी एरा उसको मैं बेड पे ली हुई हूँ, और बस अब हम लोग सोएंगे। पूरा मेरा पता नहीं फेस क्यों इचिंग कर रहा है, मतलब मैं उतना तैयार होती नहीं हूँ, हल्का तैयार नहीं थी, बस पूरा फेस मेरा इचिंग हो रहा है लग रहा है। सो लिप भी थोड़ा अलग लग रहा होगा क्योंकि मैंने बोरोलिन लगाया हुआ है,
पूरा मैं अच्छे से बोल लगाती हूँ रात पे लिप में, तब उसके बाद क्या होता है सुबह में लिप एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, अच्छा लगता है। सो मेरा सब कुछ हो गया जो भी था आप लोगों के साथ शेयर की, कैसा लगा होगा, कैसा लगा बताइएगा। सो मैंने आज साड़ी पहना था रेड कलर का, जो आप लोगों को हल्का सा शेयर किया, वो एक लावा बूझने का एक नियम होता है जो भाभी करती है, सो बस मैंने वही नियम किया था, तो आप लोगों के साथ शेयर की एंड बस यही है और कुछ नहीं। पूरा रूम थोड़ा मैसी करके रख दिया है मैंने, पूरा इधर उधर सामान है, बहुत सारा सामान लेके आना पड़ा था, वो ड्रेस में पहनी उसको उधर हैंगर में डाली क्योंकि सब अब घर जाके वॉश होगा, और यहाँ पड़ी मेहंदी लगा दी है तो बस घर जाके वॉश करूँगी इसलिए मैंने हैंगर में डाला हुआ है, और जो भी पड़ी पहनी है सब कपड़ा वगैरह इधर उधर करके रखी हूँ, सब धोने का कपड़ा एक जगह ले जाऊँगी और वॉश होगा। तो फिलहाल के लिए ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कुछ एडवाइस देना हो तो दे सकते हैं, ठीक है, बाय बाय।